हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक मामला जो बहुत तूल पकड़ रहा है आजकल, वो है यूपीएससी के द्वारा लैटरल एंट्री। ये क्या होता है, मतलब कि आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या बन जाएंगे, सीधा आप आईएएस बन जाएंगे। तो ये जो मामला है, ये संसद में भी राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया कि भाई इससे क्या हो रहा है, जो आरक्षण वाले व्यक्ति हैं उनका क्या होगा। यहाँ तो सीधा सीधा योग्यता के आधार पर मामला है, तो बहुत तूल पकड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि बिना परीक्षा के अगर कोई आईएएस बनाया जा रहा है तो वो कितना सही है और कितना गलत, और यूपीएससी के द्वारा जो ये लाया गया है, ये सरकार जो ये करना चाहती है, वो सही है या गलत। दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान से इसको देखिएगा। पसंद है तो बिल्कुल लाइक, और एक चीज और करना है, ओपिनियन देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ओपिनियन दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है कितना गलत। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये लैटरल एंट्री होती क्या है ना, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। और बड़ा इसलिए क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि समझना जरूरी होता है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, है कि नहीं। चलिए आइए, तो सबसे पहले लैटरल एंट्री क्या है कि इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि जैसे कोई अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं, तो यूपीएससी क्या करता है, जो पारंपरिक जो परीक्षा है, जैसे वो फॉर्म भरें, उसके बाद मिप्री दें, फिर मेंस दें, इंटरव्यू दें, फिर सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर यूपीएससी कहते हैं देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा ये क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल कर दीजिए, हम आपको सीधे तौर पर आईएएस या कोई वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर आपकी नियुक्ति कर देंगे, और क्या हो जाएगा, आप बढ़िया से काम करिए, सरकार के साथ मिलकर काम करिए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना हुआ है, खासकर ये मामला शुरुआत कब हुई, शुरुआत हुई 2018 से। 2018 में जब केंद्र सरकार ने इसे औपचारिक रूप से लागू किया, और लागू करने के बाद इस प्रक्रिया के समर्थक और जो आलोचक हैं दोनों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि लैटरल एंट्री किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। क्योंकि 2018 में सरकार ने इसकी शुरुआत की, तब तो चलो उतनी बात नहीं हुई, लेकिन उस समय भी ये मुद्दा बहुत उठा था कि भाई क्यों ऐसा सरकार कर रही है, 2024 में फिर ऐसा होने जा रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ। आइए पूरी डिटेल में समझते हैं, समझ में तो आ गया होगा ना कि लैटरल एंट्री एग्जैक्टली है क्या। ओके चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कितना सही, क्योंकि पहले सही देख लेते हैं, फिर गलतियों को भी देखेंगे, फिर आप हमें अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सबसे पहला, विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। सरकार कहती है कि भाई लैटरल एंट्री के माध्यम से सरकार को निजी क्षेत्र, अकादमिक जगत जो है, या फिर जो अन्य विशेषज्ञ क्षेत्र है, वहां पे उच्च कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है, जिससे नीति निर्माण कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान वो दे पाते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो जटिल तकनीकी क्षेत्र हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी प्रबंध हो गया, उन सब में सरकार को बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है, ऐसा सरकार कह रही है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 2019 में नियुक्ति किए गए 9 लैटरल एंट्री अधिकारियों में से कई उनके विशेषज्ञ वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिससे नीतिगत सुधारों में तेजी आई है। सरकार ऐसा कहती कि भाई देखो, हम बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे हमें जरूरत है, हम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, विशेषज्ञता बढ़ रही है, नीतिगत सुधार हो रहे हैं, ऐसा सरकार ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या लाभ हो सकता है। कह रहे हैं प्रशासनिक लचीलापन और नवाचार की उम्मीद जगती है, यानी कि लैटरल एंट्री से प्रशासन में लचीलापन आता है, यानी कि आसानी आती है, चीजों को समझना बेहतर हो जाता है। उसके साथ साथ जो पारंपरिक ब्यूरोक्रेसी है, उसमें क्या हो पाता है, नवाचार हो पाता है, उसमें सुधार हो पाता है, और कहीं ना कहीं इसकी गुंजाइश भी बढ़ती है। क्यों, सरकार ये कहती है कि भाई जब कोई बंदा ऐसे आता है जो सच में बहुत विशेषज्ञता किसी चीज में रखता है, तो जो डिपार्टमेंट में आता है, तो उसको देख के, उसके कार्य करने के तरीकों को देख के, बहुत सारे जो उनके साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो और ज्यादा बेहतर करने लगते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, अभी ध्यान रखना, पक्ष की बात हो रही है, विपक्ष की नहीं। आगे एक डेटा है, 2023 तक लगभग 30 लैटरल एंट्री अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किया गया, और सरकार कह रही है जिन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया में बहुत सारे नवाचार और दक्षता में सुधार लाने के प्रयास किए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत बेहतर भी है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नंबर तीसरा, कुछ वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात कर लेंगे, क्या सिर्फ ये इंडिया में ही है या बाहर की भी बात है। तो अगर हम बात करें, लैटरल एंट्री भारत में कोई नई अवधारणा नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसके पहले भी कई सारे देशों में ऐसा हुआ है। अगर विकसित देशों में जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहां भी अपनाई जाती है। विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उनको नियुक्त किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मदद करता है। देखो एक बात बताऊं, एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई है बंदा है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट जगत में, यानी कि वो बड़ी से बड़ी कंपनियों में अपने 10 साल 15 साल उसने बिताए हैं, तो उसको एक जबरदस्त नॉलेज है। उस नॉलेज का यूज गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने जो सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों में वो कर सकती है, तो उसके लिए उनको एक अधिकारी चाहिए। तो वो सीधा क्या करते हैं, यूपीएससी के थ्रू सीधा अधिकारी बना के उनको वहां बैठा देते हैं। ये कहना चाहती है सरकार की, भाई देखो ऐसा हमारा करना जरूरी है। ठीक है, ये तो बात रही कितना सही है कि देश विदेश में भी चल रहा है, प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं विशेषज्ञता भी मिल जाती है। ऐसा कौन कह रही है, सरकार। लेकिन अब बात कर लेते हैं कितना गलत है, क्योंकि हर चीज सही तो नहीं हो सकती। आइए देखते हैं। सबसे पहला, चयन प्रक्रिया कितना गलत है। इसमें नंबर एक पॉइंट क्या आ रहा है, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता। लैटरल एंट्री में जो चयन प्रक्रिया है उसके मानक, उसकी पारदर्शिता की कमी जो है उसकी आलोचना हमेशा होती रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2018 और 2021 के बीच जो भी लैटरल एंट्री के अभियान के दौरान उम्मीदवार जो हैं कि चयन की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें अनुभव, योग्यता और निष्पक्षता की कमी की शिकायतें सामने आई थी, है ना मामला। यानी कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं निष्पक्ष हैं आप, जो मानक है सच में उस मानकों पे सही रूप से काम हो रहा है, ये चीजें देखना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा, वरिष्ठता और अनुभव का जो मुद्दा है, ये भी कितना सही है कितना गलत, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें अनुभव मिल जाता है, कहीं ना कहीं जो वरिष्ठता है वो मिल जाती है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहीं से ना एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा और आप अपना ओपिनियन बना पाएंगे। क्या लिखा है, पारंपरिक जो यूपीएससी उम्मीदवार है उनका ये तर्क है कि लैटरल एंट्री द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है प्रशासनिक सेवा की वस्तुता और अनुभव को कम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में एक लंबी और कठोर प्रक्रिया के बाद वरिष्ठ पद प्राप्त होता है, जिससे जो लैटरल अधिकारी हैं उनके साथ न्याय नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। यानी कि जब हम एक बंदा सबसे पहले आईएएस बना, आईएएस के सबसे छोटा पद पाता है, एसडीएम हो गया या फिर विकास अधिकारी से हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर, धीरे धीरे वो जिला अधिकारी बनता है, उसके बाद धीरे धीरे ऑफिसर रैंक से बढ़ता बढ़ता कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाता है। तो कह रहे हैं कि जब हम एक कठोर प्रक्रिया से गुजरते हैं, एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो क्वालिटी आएगी वो जो इस लैटरल एंट्री के थ्रू जो ऑफिसर सीधा बनाया जा रहा है उसके अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये कौन कह रहा है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनकी द्वारा ये बात कही गई है। उसके साथ एक उदाहरण और है, कई राज्य के सिविल सेवक हैं उन्होंने लैटरल एंट्री के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि खासकर उन पदों पर जहां वरिष्ठता का बड़ा महत्व होता है, वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई वो आ तो रहे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अद्भुत ऐसा कर दिए जो हम नहीं कर सकते, हमें भी मौका दीजिए हम बिल्कुल काम करेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव का मुद्दा है और जो ये मुद्दा है उस पर भी दोबारा सरकार को सोचने की जरूरत है, क्या सच में इतना हम बेनिफिट ला रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग्स यानी कि जो इस समय जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, सोचने की बात है कि नहीं, बिल्कुल सोचने की बात है। अगर आगे देखें, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संभावित राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति हो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव की वजह से उसको सीधा नियुक्ति दी जा रही हो। तो क्या लिखा है, लैटरल एंट्री में राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव का खतरा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति राजनीतिक संरक्षक के आधार पर भी की जा सकती है। सिंपल सी बात है। और इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, कुछ विशेषज्ञ ये चिंता व्यक्त किए हैं कि लैटरल एंट्री अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक निष्ठा और विचारधारा से अधिक प्रभावी हो सकती है, जो प्रशासन में निष्पक्षता को कमजोर करती है, क्योंकि जानते ही हो इंडिया में राजनीति में कुछ भी होना पॉसिबल है। तो आपको नहीं लगता कि अगर सीधा आईएएस बनाया जा रहा है तो ये एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, किसी बड़े नेता का कोई रिश्तेदार या कोई जो विदेश में काम कर रहा है, कुछ ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उसको सीधा प्रशासनिक सेवा में एक बड़ा पद दे दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत अवधारणा है। तो सरकार को सीधा सीधा क्या करना चाहिए, उस चीजों पे बेहद
अच्छे तरीके से उस पर काम करने की जरूरत है, जिससे सरकार क्या कर पाए, एक क्या कर पाए, निष्पक्षता ला पाए। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा भाई, देखो अगर ऐसा कर रहे हो तो एग्जैक्टली उस चीज के एक फिगर आउट कीजिए, जिससे वो प्रॉब्लम जो है, जो लोगों के मन में है, वो सॉल्व हो सके। और सीधी सी बात है, आप खुद सोचो ना, हमारे यहाँ आरक्षण लागू है। अगर मान लेते हैं आपने 50 सीटें अभी तक दी हैं, तो उस 50 सीटों में अलग अलग पार्ट के लोग आने चाहिए। ये तो नहीं आ पा रहे ना, जब ये नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा संवैधानिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इस बात को समझना जरूरी है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको और बेहतर किया जाए, स्ट्रिक्ट किया जाए। उनके जो भी व्यक्ति हैं जिनको आप इस तरह ले रहे हैं, उनका पूरा डेटा लोगों को दिया जाए कि नहीं भाई देखो जो हम दे रहे हैं वो ठीक है, हमें जरूरत है, ऐसा कुछ किया जाए तो बेहतर होगा। आप सबका क्या ओपिनियन है जरूर बताइए, ये कितना सही है और कितना गलत। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आज रक्षाबंधन है, तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस खुश रहिए, इंजॉय करिए, और जिंदगी बस ऐसे ही आपकी खुशी खुशी चलती रहे। धन्यवाद।